एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिमाजोल 20 mg कैप्सूल के बारे में। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। तो जो प्यूमाजोल 20 mg टैबलेट है, ये बना हुआ है ओमेप्राजोल 20 mg से। अब बात आती है कि ये काम कैसे करेगा। हमारे स्टमक के अंदर जब एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो जो स्टमक के अंदर एच पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव एटीपेज सिस्टम होता है, जो कि जैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर पाया जाता है, तो ये उसके एक्शन को रोकता है और जिसकी वजह से जो ओमेप्राजोल होता है, ये जो फाइनल स्टेप है जहां पर एसिड प्रोडक्शन हो रहा होता है, उसके एक्शन को भी इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिड जो बढ़ता है वो कम हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हैं। हर्ट बर्न में इस्तेमाल किया जाता है, एसिड रिफ्लक्स में इस्तेमाल किया जाता है, पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट करने में इस्तेमाल किया जाता है, और डिफिकल्टी होती है जब स्वेलिंग में, यानी कि चीजों को निगलने या सटकने में, तब इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अमूमन जो इसकी डोज होती है वो 20 mg होती है दिन में एक बार, या फिर जो डॉक्टर आपको डोज देगा आपकी स्थिति के अनुसार वो डोज आपको लेनी होती है। अब बात आती है कि सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल अच्छे से पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, कभी भी सनलाइट से एक्सपोज ना करें। जो डोज आपको डॉक्टर बताएगा उससे ज्यादा डोज नहीं लेनी है, और जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको शराब भी नहीं पीनी है। आज की इस वीडियो में हमने पिमाजोल 20 mg कैप्सूल्स के बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।